फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। फ्रेंड्स, जैसे कि गर्मी का मौसम है, यानी आम का मौसम है, कच्चे आम बहुत आ रहे हैं मार्केट में, और कुछ लोग तो कच्चे आम खाना बहुत ही पसंद करते हैं, और कभी कभी दिल करता है कुछ स्पाइसी सा और टैंगी यानी खट्टा खाने का, तो क्यों ना हम मसाला कैरी चाट बनाएं। बहुत ईजी है, फटाफट बन जाती है कुछ ही मिनटों में, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं मसाला कैरी चाट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कच्चा आम ले लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब हम इसको स्लाइस में कट करेंगे। स्लाइस हम अपने मनपसंद कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको छील सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिना छीले ही बना रही हूँ, इसमें ज़्यादा टेस्ट आने वाला है। तो इस तरीके से हम जो इसकी गुठली है वो निकाल लेते हैं। कई बार गुठली टाइट हो जाती है, तो ऊपर से निकाल लीजिए आप, और स्लाइस में हम इसको कट करेंगे। स्लाइस कट कर दिए हैं, साइड रख देंगे, और इसके लिए तैयार कर लेते हैं हम मसाला। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ले ले रहे हैं 1/4 टीस्पून हम लेंगे यहाँ पर चिली पाउडर। ज़्यादा तीखा खाना पसंद करेंगे तो ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा लेंगे इसमें ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, और थोड़ा सा लेंगे हम इसमें वाइट नमक, यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक रखना है। तो दोनों नमकों को ध्यान में रखते हुए हमने ले लिया है लगभग 1/2 टीस्पून नमक है दोनों को मिलाकर। और अब ले ले रहे हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला, ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये जो मसाला हमने रेडी किया है ये हम डालेंगे अपने कैरी के ऊपर। थोड़ा सा डाल देते हैं हम लेमन, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, टैंगी टैंगी। और सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर लिया है, डाल देते हैं सर्विंग प्लेट में। आप इसको ग्लास में भी डाल सकते हैं, बाउल में भी डाल सकते हैं। तो मैंने सर्विंग प्लेट में डाल लिया है, हल्का सा ऊपर से भी मसाला डाल दिया है, और ये हमारी मसाला कैरी चाट बनकर रेडी हो गई है। गर्मियों का मौसम है, कच्चा आम बहुत आ रहा है मार्केट में, और जो आम के खाने वाले शौकीन हैं, जो बहुत खाते हैं आम, उनको कच्चा आम भी बहुत पसंद आता है। तो इस तरीके से अगर वो चाट खाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।